शॉपिंग में बहुत व्यस्त हूँ, कृपया करके मुझे कुछ मत पूछिए। बहुत सारा शॉपिंग करना है, देखिए मुझे उठाने भी नहीं आ रहे मुझको, देखिए और बाकी बहन को भी देखे रखा है। एक्चुअली पूरा सामान तो मिला नहीं, लेकिन मुझे जितना सामान मिला है चैनल। तो मैं मेरा शूट जो पर्स शेड्यूल था वो कंप्लीट करके मैं आ गई अरुणाचल पे। तो आप सबको पता ही है मैं हो गई थी टॉप 20 फेसलाइट मिस अरुणाचल की। तो आज मैं मिस अरुणाचल की शॉपिंग करने जाऊंगी अपनी बहन के साथ। एक्चुअली गाइस इतना लिस्ट लंबा है कि मैं क्या करूँ यार, मैं नोट्स बना के बैठ रही थी। देखिए अभी तक मैंने इतना ही बनाया है, यहाँ पे कितना 8 आइटम है ज़्यादा नहीं है, 8 आइटम है ज़्यादा नहीं है, बहुत कम थी, 8 आइटम सिर्फ है। और अभी हम जाएंगे ढूंढने, पता नहीं हमें क्या क्या मिलने वाला है। आधा तो बाकी जो मैंने ऑनलाइन से मंगवा लिया था, उसके बाद जो ऑनलाइन पर नहीं है मैं ऑफलाइन पर भी जाके देखूँगी उसके बाद। तो चलिए आइए कंटिन्यू करते वीडियो, उसके बाद आपको मैं मिलाऊंगी, अरुणाचल दिखाऊंगी, अरुणाचल पूरा नहीं दिखाऊंगी, ईटानगर दिखाऊंगी, उसके बाद आज का शॉपिंग कैसा रहेगा वो एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो चलिए गाइस एक्चुअली नाहरलगुन पे कुछ मिलता नहीं है, मुझे पसंद था तो हम डायरेक्टली जाएंगे ईटानगर, क्योंकि वहाँ पर हमें मिलने का बहुत चांसेस है। तो चलिए आइए चलते हैं, थोड़ा सा आपको ईटानगर का नज़ारा दिखाऊंगा। सो गाइस दिस इज ईटानगर। तो अभी हम सबसे पहले जाएंगे मैक्स मार्केट में, वहाँ पे देखते हैं। वो एक्चुअली मैक्स मार्केट में नहीं जाएंगे, दाकिनी में जाएंगे। एक्चुअली वहाँ पे कोरियन कलेक्शन आता है, तो वहाँ से मैं अपना ड्रेसेस वगैरह देख लूँगी कुछ मिलता है कि नहीं है। बाकी चलिए आप वीडियो कंटिन्यू कीजिए। गाइस मैंने ये ट्राई किया, एक्चुअली मुझे ब्लू चाहिए था, ये मुझे कुछ खास नहीं लगा, कहीं और से ढूंढ के देखूंगी। गाइस वहां से हमें कुछ नहीं मिला तो अभी हम जाएंगे कोरा। तो चलिए आइए एक्सप्लोर करते हैं ईटानगर मार्केट मेरे साथ, आप भी करिए एक्सप्लोर। एक्चुअली बहुत ही मुश्किल है कपड़ा ढूंढना, कलर मिलता है तो पसंद नहीं आता है, पसंद आता है तो कलर नहीं होता है, लड़की की जिंदगी। तो अभी हम ये जाएंगे, ये देखिए ईटानगर का नज़ारा, खाली रहता है। क्या रहता है खाली, यहाँ पे हमको 5 इंच का हील ढूंढना पड़ेगा अभी। गाइस यहाँ से भी हमें कुछ मिला ही नहीं, पता नहीं क्या होगा मेरा। कोरियन प्रोडक्ट यूज होगा, कोरियन प्रोडक्ट, कोरियन प्रोडक्ट यूज़ करने के हमने लगा था सुंदर लगा क्या, राइस ब्यूटी बनाया। ठीक है गाइस चलिए, तब मैं अभी सीधी जाऊँगी विवेक विहार में, वहाँ पे तो मिल जाना चाहिए मुझे, वहाँ पे जाके देखती हूँ कुछ मिलते हैं कि नहीं हमें। तो चलिए विवेक विहार चलते। सो गाइस हम पहुँच गए विवेक विहार, आप देख सकते हैं कि मैं कितना सक्सेस लड़की है। अभी मैं ट्राई करती हूँ यहाँ से, हाँ ऐसे ट्राई करती हूँ। आइए सो गाइस हम मुझे फाइनली एक मिल गया है, सिर्फ एक, 8 आइटम बना के लेके आया था लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही मिला है, पता नहीं और बाकी लोग मिले कि नहीं मिलेगा बाकी तो। हाँ ढूंढते ढूंढते एक घंटा ज़्यादा हो गया लेकिन अभी तक नहीं मिला, वो ऊपर से ज़्यादा रिक्स है, पिंक वाला मिल गया गाइस। गाइस हमने कर लिया शॉपिंग यहाँ से, मैंने तो पेन भी ली, मैं शॉपिंग करने आई थी, बहन भी मेरे पीछे पीछे शॉपिंग कर लिया है ना, बहन जो ना डायरेक्ट नया पेन पहन के जा रहे हैं। क्या ले H&M का, H&M का लॉन्ग पेन लिया बोलते हैं ये। मैंने भी एक कार्गो लिया है, एक पैंट लिया है। तो गाइस अभी मैं बहुत ही खुश हूँ, कुछ तो मिला है कम से कम, है ना। तो और बहन भी बहुत खुशी है नया नया लॉन्ग पेन पहन के H&M का।
एक्चुअली वो जो पहले पहन के आया था ना वो बहुत ही टाइट था, इसलिए इसने नया खरीद के डायरेक्ट उसे ही पहन के आ गया। और मैं कपड़े ट्राई कर करके देखो बाल को भी ऐसा बांध लिया मैंने। मम्मी भी एक दुकान है जाके दिखिया लास्ट। सो गाइस ये दुकान पे घुसा था वहाँ पे मिला नहीं, तो अभी हम जाएंगे वापस वहाँ पे लेगी कम्प्लेक्स घुसेंगे वहाँ पे देखेंगे। ऐसे इनका लॉन्ग पेंट पहन के बहुत खुशी होते हुए और H&M फिक्स रेट ठीक है गाइस। चलिए फिर आपको मिलती हूँ वहाँ पे। सो गाइस मेरा तो पूरा मिला नहीं, लेकिन अभी एक दोस्त को लेना था यहाँ से, आपको मैं दिखाती हूँ। अभी हम आए हैं एक्चुअली हमें यहाँ से सूट लेना था, तो अभी हम यहाँ में जाएंगे, कल देख के रखा था आज ले लेंगी। तो चलिए तो गाइस आज हमने बहुत शॉपिंग कर लिया, देखिए एक्चुअली इतना ब्रांडेड वाला कभी नहीं कर मजाक के गाइस, हमने शॉपिंग कर लिया बहुत सारा, यहाँ से भी जो सामान था हमने लेना था। शॉपिंग में बहुत व्यस्त हूँ, कृपया करके मुझे कुछ मत पूछिए, मुझे मेरे भैया ने इतना वक्त नहीं है मेरे सच्ची में बातें करने को। मेरे भैया ने मुझे कपड़ा खरीदने का ऑफर दिया था, लेकिन मैंने ये खरीदा। यूनिकोला बहन है। हमने बहुत सारा शॉपिंग कर लिया, देखिए मुझे उतारे उठाने भी नहीं आ रहे मुझको, देखिए और बाकी बहन को भी देखने लगा है। एक्चुअली पूरा सामान तो मिला नहीं है, लेकिन भी जितना सामान मिला है और बाकी जो है जैसे ट्रेडिशनल हो गया और बाकी जो सामान है वो सबको मैं अलग से ढूंढूंगी। उसके बाद आज का मौका है ना उसका ब्लॉग भी आएगा, हो जाएगा। बट आज हम इतना ही शॉपिंग किया हमने, उसके बाद एक्चुअली ना ज़्यादा शॉपिंग करते करते दुकान वालों ने भी बोला कि जल्दी जल्दी बिलिंग कर दीजिए मैडम, शाम हो गया ऐसा बोला। तो देखिए ज़िंदगी में मैंने फर्स्ट टाइम इतना शॉपिंग किया है, और ये मैं जो वीडियो क्यों बना रही हूँ बोलने से, ये जो मिसान नगर का जर्नी है, मैं एक एक जर्नी को अपना एक एक मोमेंट को मैं कैप्चर करके रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करके 19 को मैं यहाँ से निकलूँगी। तो आप सबको और बहुत सारा वीडियो देखने के लिए मिलेगा गाइस, तो मुझे सपोर्ट कीजिए क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत करके ये सब कपड़ों को भी खरीदी हूँ। ऐसे मत सोचना कि मैं बस ऐसे ही ज़्यादा से खरीदा, मैंने इतना स्टिचिंग करके मेहनत करके कपड़ों को खरीदा है। मिलना ना मिलना इट्स ओके गाइस, लेकिन भी मैं चाहती हूँ कि मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर सकूँ, इसलिए मैं ट्राई करती हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं इतना तक ही रखूँगी, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।